बिल्कुल नजायज है, बिल्कुल नजायज है। मैं एक साधु होकर एक निंदा करता हूँ इस बात की। भगवान के प्रति क्या, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे MP हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, भगवान तो भगवान ही है ना। प्राइम मिनिस्टर के अंदर भी आत्मा है, तो ये भगवान है। भगवान के लिए तो श्रद्धा सबके अंदर है। योगी जी के अंदर भी श्रद्धा होनी चाहिए पूरी। अब वो राजनेता बन गए, राजनेता वाली बात कर रहे हैं, नहीं तो संत है, महात्मा है, पहले संतों की बात करनी चाहिए। दो या तीन दिन देखूंगा, अगर कोई जगह मिलती है ठीक है, अगर कोई मेरे को 20-25 रूम का सेट बना के देते हैं, योगी जी जैसे कह रहे हैं गवर्नमेंट दे रही है, कोई मेरे लिए बना के देते हैं शिविर, तो मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जो भी भगत होंगे, जहाँ भी मिलेंगे मेरे को मिलेंगे, उनका शुभारंभ यहीं से करूंगा। घर से कोई सुविधा नहीं देते, सब अपने अपने आदमियों को दे रहे हैं, जो इनके हैं खास हैं। चेलो मर रहे हैं और चेलियां मौज ले रही हैं, ये हालात हो रहे हैं। चेलियों के लिए सब कुछ है, सुविधाएं है, चेलों के लिए कुछ नहीं है सुविधा। अच्छा। अब क्या क्या चिट्ठे खोलूंगा, क्या क्या बातें करूंगा है। किसी का चेला 5 लाख लेके भाग जाता है, किसी का 4 लाख लेके भाग जाता है, कहाँ से लेके भाग जाता, क्यों लेके भाग जाता, कमियां होंगी तो भागते हैं ना। वो सब चिट्ठे खोलूंगा, बिल्कुल 100% 1000% नहीं, मैं रिजाइन दे सकता हूँ, और आजकल मैं रिजाइन दे भी सकता हूँ। मैं जूना अखाड़े से मैं श्रीमंत हूँ, अभी मेरी गद्दी है, मैं उसका सबसे बड़ा 16 मणि का महंत हूँ अपना, रमता पंच का 3 साल मैंने निभाया। मैं हाँ, सुविधाएं नहीं मिली मेरे को, जब मेरा अपना ही वेलकम नहीं करेगा अखाड़ा, तो मैं दूसरे से क्या सुविधा ले पाऊंगा। जब मेरा अपने ही अखाड़ा, मेरे गुरु लोग मेरी नहीं करेंगे, तो मैं किसी से क्या बात कर सकता हूँ।